Hola amigos, hoy estamos hacheando taco. भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? सॉरी। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे टैकोमीटर। टैकोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी घूमते हुए ऑब्जेक्ट का RPM यानी रोटेशन पर मिनट निकाल सकते हैं, मतलब वो चीज एक मिनट में कितने बार घूम रहा है। तो इसको बनाने के लिए मैं यूज करूंगा Arduino Uno, DC मोटर, हॉल इफेक्ट सेंसर और 7-segment LED डिस्प्ले। 7-segment LED डिस्प्ले से याद आया, मैंने इसका एक लाइब्रेरी बना दिया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस लाइब्रेरी को अपने Arduino IDE में ऐड करने के लिए पहले इसको डाउनलोड कर लेना, फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, फिर आपको दिख जाएगा 7 बोल के एक फोल्डर। उसके अंदर आपको मिलेगा और दो फाइल, एक है readme.pdf और एक है 7segment.zip। readme.pdf में मैंने लिख दिया है कि कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है। फिर Arduino IDE ओपन कर लेना, फिर चले जाना इसके स्केच वाले टैब में, फिर वहाँ पे दिखेगा आपको इंक्लूड लाइब्रेरी का ऑप्शन, जिसके अंदर आपको दिख जाएगा एड जिप लाइब्रेरी का ऑप्शन। फिर आप सिलेक्ट कर लीजिए 7segment.zip वाला फाइल और ओके प्रेस कर दीजिए और ये लाइब्रेरी आपका ऐड हो जाएगा। फिर से Arduino IDE को रीओपन कीजिए और उसमें चले जाइए फाइल वाले टैब में, फिर आ जाइए एग्जाम्पल में और फिर वहाँ पे दिख जाएगा आपको 7segment बोल के एक नया ऑप्शन, जिसमें आपको मिलेगा दो एग्जाम्पल, एक है पीरियोडिक और दूसरा है 7segment डिस्प्ले। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो देखो मेरे पास जो हॉल इफेक्ट सेंसर है, इसका डीओ पिन अनबायस्ड कंडीशन में ऑलवेज हाई रहता है, पर जैसे ही मैं इसको एक मैग्नेट से बायस कर देता हूँ, इसका डीओ पिन लो हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस प्रोपेलर के एक ब्लेड में एक छोटू सा मैग्नेट चिपका दूंगा, तो जितने बार भी प्रोपेलर घूमेगा और इसका साइकिल कंप्लीट करेगा उतनी बार ये हॉल इफेक्ट सेंसर के डीओ पिन को लो करता रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों फॉलिंग एज के बीच का टाइम पीरियड निकालना है, जो है बेसिकली एक कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड। और जैसे ही हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा, हम 1 को इस टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा RPS या रोटेशन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में ये प्रोपेलर कितने बार रोटेट कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इस RPS को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा RPM, क्योंकि 60 सेकेंड में एक मिनट होता है। तो देख लो, ये है मेरा एक जुगाड़ू सेटअप और इसके प्रोपेलर पर मैंने एक छोटा सा मैग्नेट चिपका के रखा है। यहाँ पर है मेरा हॉल इफेक्ट सेंसर और ये तो पता ही है Arduino Uno और 7-segment LED डिस्प्ले। और फॉलिंग एज को डिटेक्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा इंटरप्ट सबरूटीन मेथड। तो पहले मैं क्या करूँगा, मोटर को 3 वोल्ट से पावर अप करूँगा और इसका RPM मेजर कर लूँगा। अब मैं क्या करूंगा, एक सिंगल MOSFET से इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर डिज़ाइन करूंगा और एक दूसरे Arduino से इसको PWM सिग्नल प्रोवाइड कराऊंगा और अलग अलग ड्यूटी साइकिल में अलग अलग RPM में मेजर कर लूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी इशू अगर आप फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं नेक्स्ट लाइब्रेरी अपडेट में उसको फिक्स करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।